Hello and welcome back at Mastercam CNC Milling Operations Tutorial. Mastercam के ये जो हमारा ट्यूटोरियल सीरीज है इसमें हम बात करने वाले हैं मिलिंग मशीन के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में, जिसमें हम हर एक ऑपरेशन के सभी पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि कटिंग पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, इसके स्टाइल्स क्या होते हैं, टाइप क्या होता है, इसके जो पैरामीटर्स है इसमें क्या चेंजेस करने पे क्या प्रॉब्लम्स होता है, उनका सॉल्यूशंस क्या होता है और सभी पैरामीटर। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए कि क्योंकि हमें कोई भी पार्ट है सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा फेसिंग का ऑपरेशन होता है, तो किस तरीके से हम फेसिंग के ऑपरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फेसिंग के ऑपरेशन में टाइम सेव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हम फेसिंग के लिए स्टॉक सेट करें कि मास्टरकैम ऑटोमेटिकली हमारा फेसिंग का प्रोग्राम जनरेट कर ले। तो हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। सबसे पहले फेसिंग करने के लिए हमें स्टॉक सेटअप देना पड़ेगा कि हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो कितने एमएम ऊपर है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमें टूल नंबर दे देना है और सिमिलरली जो अब तक हम करते आए हैं असेंस टूल नंबर सीक्वेंसली, जिसका अर्थ है सभी टूल सीक्वेंस में रहेंगे। वार्म अप डुप्लीकेट टूल नंबर, जिसका अर्थ है कि जो आपके टूल से डुप्लीकेट टूल नंबर आएगा तो अलार्म आ जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टॉक सेटअप में। जब हम बात करते हैं स्टॉक सेटअप के बारे में, तो जब स्टॉक सेटअप कर रहे हैं किसी एक रेक्टेंगुलर पीस के लिए और देन इसको फेसिंग करना है, तो हमें क्लिक करना है ऑल सॉलिड पर। अभी ये प्लेट की थिकनेस 30 mm है, बट हमें सपोज़ कि 2 mm का फेस करना है, तो हम इसमें 30 mm में वो वैल्यू ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें लिख देना है जितने mm में फेस करना है। देन जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेड डॉट है वो हमारा स्टॉक साइज है, जो कि हमारा 2 mm ऊपर के लिए आ गया है। तो इस तरीके से हमने फेसिंग के लिए 2 mm इसे ऊपर के ले लिया है ताकि जो हमारा ऑपरेशन है वो इजीली क्रिएट हो पाए। फेसिंग का ऑपरेशन लेने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमें फेसिंग के ऑपरेशन के लिए क्लिक करना है फेस पर। जैसे ही हम फेस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन होता है। हमें किसी भी चीज़ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट हमें क्लिक करना है ओके पर। देन हमें सिलेक्शन करना है टूल। टूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने टूल सेलेक्ट किया है 63 mm का डायमीटर। आप चाहे तो यहाँ पे लाइब्रेरी में जा करके जो टूल चाहे वो सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज मैंने 63 mm का टूल सिलेक्शन किया, इसके लिए फीड दे दिया RPM, स्पिंडल रोटेशन डायरेक्शन, और कमेंट में मैं लिख दूंगा फेसिंग ऑपरेशन है तो फेसिंग 2 mm। अब हम बात करते हैं होल्डर। आप फेसिंग ऑपरेशन के लिए किसी भी टाइप का होल्डर सिलेक्शन कर सकते हैं। जब बात करते हैं हम कटिंग पैरामीटर, तो ये विंडो जो हमारा फेसिंग के लिए चेंज हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे फेसिंग के लिए हमें क्या क्या स्टाइल्स प्रोवाइड किए रहते हैं। फेसिंग के लिए हमें ढेर सारे अलग अलग स्टाइल्स में प्रोवाइड किए रहते हैं, जिसमें सबसे पहला रहता है जिगजैग, देन रहता है वन वे, देन रहता है वन पास, एंड लास्ट एंड फाइनल डायनेमिक। तो सभी के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले ध्यान रहे जब भी आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो स्टॉक टू लीव ऑन वॉल फ्लोर पे 0-0 कर लें, क्योंकि हमें स्टॉक फ्लोर पे रखना है तो स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, यदि स्टॉक नहीं रखना है तो इसे 0-0 कर देंगे। देन सबसे पहला जो हमारा स्टाइल रहता है वो रहता है जिगजैग। जब हम बात करते हैं जिगजैग के बारे में, सर अभी क्वालिटी का स्टार्ट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइल के बारे में। स्टाइल में हमने सपोज सिलेक्शन कर रखा है जिगजैग। जिगजैग का अर्थ है कि आपका टूल ऐसे जाएगा एंड देन इस तरीके से। तो सबसे पहला पैरामीटर रहता है हमारा अक्रॉस ओवरलैप, जिसका अर्थ है कि यदि हमने इसको 50% पर रखा है तो टूल हमारा जो है जो एज है वर्क पीस की उससे 50% अंदर की तरफ रहेगा और 50% बाहर की तरफ रहेगा। तो हमें इसे हमेशा 25% ही रखना है, जिससे कि हमारा 70% ऑफ टूल डायमीटर यूज़ हो सके। देन अलॉन्ग ओवरलैप में 110% रखना है ताकि हमारा टूल टोटली बाहर एग्जिट हो सके।
अक्रॉस का अर्थ होता है अलॉन्ग, जब हम बात करते हैं अप्रॉस डिस्टेंस के बारे में, अप्रॉस डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितने mm टूल बाहर की तरफ से, जिसका सॉरी सबसे सेकेंड थर्ड वन जो पैरामीटर है हमारा अप्रॉच डिस्टेंस। अप्रॉच डिस्टेंस का अर्थ होता है कि कितने mm टूल हमारा कटिंग करेगा उससे पहले की लेंथ, और एग्जिट डिस्टेंस का मतलब कटिंग करने के बाद जो हमारी बाहर निकलेगा टूल तो कितना एग्जिट होना है। इन सभी पैरामीटर को मैं आपको टूल पाथ के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये पैरामीटर्स रहते हैं। नेक्स्ट वन जो चीज़ है हमारी स्टेप ओवर्स के बारे में। स्टेप ओवर का अर्थ हो गया कि हमारा टूल डायमीटर का कितना एरिया है वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रोग्राम को यहाँ पर जनरेट करके। यदि मुझे डायरेक्ट यहाँ पर टूल पाथ देखना है तो जैसे ही मैं इस पर प्रीव्यू टूल पाथ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टूल पाथ देख सकता हूँ। बट मैं जैसे ही अभी ओके पर क्लिक कर रहा हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे जो जिगजैग फॉर्मेट में चार पैरामीटर्स थे। सबसे पहला हमारा अक्रॉस, अक्रॉस का अर्थ है कि ये वाली डिस्टेंस कि यहाँ से टूल पाथ कितने बाहर रहेगा। हमने इसको 25% ऑफ एग्जिट रखा है तो हमारा सेंटर लाइन ये यहाँ से होते हुए गुजर रही है। सेकेंड वन पैरामीटर था अलॉन्ग था, जिसको हमने 110% रखा था, जिसका अर्थ है कि जो टूल है हमारा जो यहाँ पर टूल डायमीटर का 110% बाहर की तरफ निकलेगा, जिससे कि हमारा टूल बिल्कुल सेफली एग्जिट हो। थर्ड वन पैरामीटर था हमारा अप्रोच डिस्टेंस। अप्रोच डिस्टेंस का अर्थ है कि जो हमारा टूल है कितने mm पहले से स्टार्ट कटिंग करना स्टार्ट होगा वो हमारा अप्रोच डिस्टेंस होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल एग्जिट, एग्जिट का अर्थ होता है कि कटिंग करने के बाद कितना mm टूल एग्जिट होगा और फिर नए कट के लिए स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे चार पैरामीटर्स हैं जब हम बात करते हैं जिगजैग कटिंग के बारे में। ध्यान रहे किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी प्रोग्राम में आपको जितने ज़्यादा पैरामीटर्स के बारे में मालूम है आप उसे इतना ही इजी तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। यदि मैं फिर से जाता हूँ पैरामीटर में तो ये हमारा जिगजैग मेथड था। देन इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स रहता है जैसे मूव बिटवीन कट्स, जिसका अर्थ है कि जो हमारा टूल एग्जिट हो जाएगा तो उसके बीच में जो ये वाला है इसे हम किस तरीके से रखना चाहते हैं। यदि हम हाई स्पीड लूप में देना चाहें तो वो वैल्यू दे सकते हैं, लीनियर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और रैपिड में देना चाहें तो रैपिड दे सकते हैं। जब हम हाई स्पीड लूप की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आर्क क्रिएट हो जाएगा, जिसका अर्थ हो गया कि उसमें टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है। बट नॉर्मली हमें हाई स्पीड लूप ना रख के लीनियर ही रखना है, ताकि मान लो कि आपका वर्क पीस फेसिंग के दौरान थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो तब भी ईजिली कट हो पाए। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम डेप्थ ऑफ कट के बारे में। यदि हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें 0.5 का डेप्थ ऑफ कट और यहाँ पे फिनिशिंग के लिए 0.3 का डेप्थ ऑफ कट दे रखा है, जिसका अर्थ है कि जो हमारा लास्ट वन फिनिश कट लेगा जिसका डेप्थ रहेगा 0.3। नेक्स्ट वन रहता है हमारा लिंकिंग पैरामीटर्स। लिंकिंग पैरामीटर्स यदि ज़्यादा जरूरी रहता है, लिंकिंग पैरामीटर में सबसे पहले हाइट रहती है क्लियरेंस हाइट। क्लियरेंस हाइट का अर्थ हो गया कि ये जो है हमारा वर्क पीस है उससे ये जो हाइट रहती है जहाँ से हमारा टूल परफॉर्म करना स्टार्ट होगा हर एक चीज़ के लिए वो हमारी रहती है क्लियरेंस हाइट। सेकेंड वन रहता है रिट्रैक्ट हाइट। रिट्रैक्ट हाइट का अर्थ है कि जो हमारा कटिंग कर देने के बाद यदि टूल हमारा थोड़ा बहुत भी ऊपर रहेगा या कटिंग के दौरान थोड़ा बहुत भी ऊपर उठना चाहिए टूल तो वो हमारी लेंथ रहती है रिट्रैक्ट हाइट। थर्ड वन रहता हमारा फीड प्लेन। फीड प्लेन का अर्थ होता है कि जो हमारा वर्क पीस है उससे कितने mm ऊपर से हमारा जो वर्क टूल है वो रैपिड से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वैल्यू रहता हमारा फीड प्लेन। देन नेक्स्ट वन रहता है टॉप ऑफ स्टॉक। जैसा हमने फेसिंग के लिए इस प्रोग्राम में दे रखा है कि हमारा जो वर्क पीस से स्टॉक मटेरियल है वो हमारा 2 mm है, तो इसके लिए हमारा टूल ऑटोमेटिकली 2 mm ऊपर यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है। यदि आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये स्टॉक वैल्यू आप प्लस में लिखें, क्योंकि आप जानते होंगे बेसिक VMC के कोऑर्डिनेट्स कि जेड वर्कपीस से ऊपर प्लस वैल्यू में रहता है। और यहाँ पे हमने डेप्थ को 0-0 रखा है क्योंकि हमें जो वर्कपीस का जो टॉप सरफेस है वहीं तक का एरिया फेस करना है। यदि हम यहाँ पे स्टॉक रखना चाहें तो यहाँ पर भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं कि हमें 0.1, 0.2, 0.3 या 0.4 जितने का स्टॉक रखना है उतना स्टॉक छोड़ सकते हैं। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया है तो हमारा टूल पाथ ऑलरेडी जनरेट हो रखा था। देन इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और मेथड के बारे में, कुछ और स्टाइल्स के बारे में। सेकेंड वन स्टाइल रहता हमारा वन वे।
जब हम बात करते हैं वन वे के बारे में, तो वन वे के दौरान देखिए आप सभी पैरामीटर में, किसी भी पैरामीटर में चेंजेस करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं और फिर से रीजनरेट करते हैं तो हमारा वन वे, वन वे का अर्थ है कि आपका टूल जो है सिंगल साइड से कटिंग करेगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर नेक्स्ट पास लेगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर नेक्स्ट पास लेगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर नेक्स्ट पास लेगा। तो इस तरीके से सिंगल वे में, अर्थात जो जिस तरफ से हम इसको कटिंग करने के लिए बोलेंगे उसी तरह से कटिंग करेगा। इसके लिए हमारा चाहे तो वन वे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेसिंग के दौरान मैक्सिमम लोग जिगजैग मेथड को ही यूज़ करना प्रीफर समझते हैं। देन नेक्स्ट वन रहता है हमारा वन पास। ध्यान रहे, वन पास तभी पॉसिबल है जब आपका टूल डायमीटर ज़्यादा हो। सपोज मेरा 63 mm का टूल डायमीटर है और वर्कपीस का जो ओवरऑल सरफेस का विड्थ है वो 63 से कम होगा, तभी मैं वन पास मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन रहता है डायनामिक। जब हम बात करते हैं डायनामिक में तो ओनली इसमें रहता हमारा अप्रोच डिस्टेंस, जिसका अर्थ है कि कितने mm पहले से वर्कपीस से कितने mm दूर से कटिंग करना स्टार्ट करना है। जैसे मैं अप्रोच डिस्टेंस पर क्लिक करके रीसेट दबाता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक बाहर से कर्व कट करते हुए सर्कुलर मेथड में कटिंग करेगा और लास्ट एंड फाइनल में हमारा वर्क पीस जो है टोटली क्लीन हो जाएगा। तो यदि मैं इसको सिमुलेशन पे आपको दिखाना चाहूँ तो सिमुलेशन पे भी दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे इस मेथड में कटिंग करता है, फिर रिट्रैक्ट होता है, फिर स्टार्टिंग मेथड से। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग फेसिंग के जो हमारे चार अलग अलग मेथड्स हैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड सिलेक्शन करना है। अब मैं आपको इसके लिए प्रोग्राम